शरद गोपाल चलन लगे अनादिकाल से हर जन्म में बच्चे बनते हैं। कोई मां के पेट से 16 वर्ष का नहीं पैदा होता, फिर भी आप जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं। और ठाकुर जी 4,32,00,00,000 वर्ष में एक बार बच्चे बनते हैं। अभी 5,000 वर्ष पहले यशोदा के बच्चे बने थे जो, तो ये 4,32,00,00,000 वर्ष के बाद बने थे और गोलोक में सदा किशोर रहते हैं, वहां बच्चे नहीं रहते। तो कितना कम अभ्यास है उनको। जब आप लोग हर जन्म में बच्चे बनते हैं फिर भी बार बार गिर पड़ते हैं, तो ठाकुर जी गिर पड़े तो कौन सा आश्चर्य है। तो जब कोई किसी साधना से निराश हो जाता है तो अपने पुराने धर्रे पर चलता है। तो ठाकुर जी भी जब बार बार गिरे और चोट लगी तो उन्होंने कहा अपना पुराना ढंग ठीक है, घुटने के बल चलना। अब घुटने के बल चलते चलते देहरी आ गई। पुराने जमाने में मकान जो बनते थे तो हर कमरे के आगे एक लकड़ी 1 फुट ऊंची 1 फुट चौड़ी ऐसी लगा दी जाती थी दरवाजा बंद करने के लिए, वो ब्रेक। तो ठाकुर जी को वो लांघना था। तो ठाकुर जी ने कहा लांग जाएंगे क्या है, तो कर पद उदर तीनों लगा दिया। पैर को ऊपर उठाया, पेट का सहारा लिया, हाथ भी लगाया, फिर भी नहीं लांग सके। इसी प्रकार हम लोग माया को चैलेंज करना चाहते हैं, है क्या करेगी माया हमारा, क्या करेगा कुसंग हमारा। लेकिन माया को जैसे हम उत्तीर्ण नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते किसी भी साधना से, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी देहरी को नहीं पार कर सके। तो जब कोई साधना से हार जाता है तो रो देता है। ये अंतिम साधना करुण कंदन अपनी मां के लिए, क्या मेरी शक्ति काम नहीं करती, मां तू डेहरी से पार करा दे। इसी प्रकार साधन बल से भगवान नहीं मिलते, माया से पार नहीं पाया जा सकता। जब हम करुण क्रंदन करेंगे तो हमारी मां माने श्री कृष्ण भगवान आकर हमको उठा लेंगे और डेहरी से पार कर देंगे। तो इसीलिए जब सब प्रकार ठाकुर जी हार गए तो जोर से रोने लगे। मैया ने कहा कहीं गिर गया, ज्यादा चोट लग गई, भागी मैया। देखा तो मैया को हंसी आ गई कि किसी ने मारा ना पीटा ना गिरा ना पड़ा, खामखा रो रहा और उसी डेहरी की तरफ उंगली दिखा रहे हैं ठाकुर जी।
देरी ने क्या किया, ये हमको आगे नहीं जाने देती। ये शिकायत है ठाकुर जी। मैया ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुझको डेहरी से पार किए देती हूं। फिर भी डेहरी पर गुस्सा ठाकुर जी का रहा। आंख गुस्से में देखा कि इसने हमको पार नहीं होने दिया था, तो मैया ने डेहरी को हाथ से मारा। क्यों, हमारे लाला को तूने क्यों नहीं पार होने दिया? अब ठाकुर जी को चैन मिला कि डेहरी मार खा गई। ये आशय है।